हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार बाटी और आप देख रहे हो बेसिक का ये 28 वीडियो और लीनियर इक्वेशन का ये वीडियो नंबर 4। आज ये वीडियो स्पेशली क्लास 7th और 8th के लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस के बेस पे होगा। इसमें मैं आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को कवर करूँगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करेंगे। क्लास 7th और 8th के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन के एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन हैं, इसमें आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप एक फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस 10। यहाँ पे 5 को मैं इसे लिखे जा रहा हूँ, तो ये 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 10 हो जाएगा। नाउ 5x इज इक्वल टू 4 अंदर जाएगा तो 4x प्लस 40। नाउ अब 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40। ये आंसर हो गया। सेकेंड, 8x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 2। 3 को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ। 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 × 3x × 2। 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 3×2 = 6। नाउ 6x को इस साइड लेके जाएंगे तो 8x माइनस 6x, 2 राइट साइड में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू 1। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/8। पहले तो मैं x इज इक्वल टू 1/2 है, मैं इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये 1/8 × 2/1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2×4 = 1/4 बचेगा। x इज इक्वल टू, ये माइनस 2 है, कांस्टेंट है, इसको राइट साइड में लेके जाना होगा, तो 1/4 + 1/2 x इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे 4 है और एलसीएम भी इनका 4 आने वाला है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, तो 1/4 + 2/4 x इज इक्वल टू 1+2/4 x इज इक्वल टू 3/4। ये प्रॉपर में है, इसलिए आपको मिक्स में लेके जाने की जरूरत नहीं है। नया क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइव एक्स बाय 2+2/3 इज इक्वल टू −7/12। अभी हम इसको क्रॉस करा देंगे। वैसे भी आप इसको चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, मगर एलसीएम हर बार लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। स्माइली मेथड बोलते हैं इसको। ये 3 इसके पास जाएगा, ये 2 इसके पास जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेथड हर एक में काम करेगी और आपको परफेक्ट आंसर देगी। तो 5×3 = 50x + 2×2 = 4 / 2×3 = 6 इज इक्वल टू −7/12। इससे होगा क्या कि जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आ रहा है वो लोग भी इस मेथड से सॉल्यूशन ले पाएंगे। नेक्स्ट, 50x + 4 / अब ये क्रॉस करना होगा हमें, तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 6 × −7 हो जाएगा। नाउ 12 × 50x + 4 = 6×7 = −42। इस 12 को आप नीचे लेके जाओ, 50x + 4 = −42/12 50x +
फोर इज इक्वल टू, आप चाहो तो यहां से एक और भी स्टेप कर सकते थे, पहले 12 50x प्लस 4 है इज इक्वल टू 42 है, तो आप इसको अंदर लेके जाओ वो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। 15 इंटू 12 मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 180x प्लस 12 4 48 इज इक्वल टू -42। 180x इज इक्वल टू, ये 48 कांस्टेंट है इस साइड लेके जाना पड़ेगा, 42 -48 180x इज इक्वल टू 2 + 8 10, ये 90 हो गया, माइनस माइनस प्लस, मगर 48 बड़ा है इसलिए साइन माइनस की लगेगी, x इज इक्वल टू -90/180, 0 0 कट हो गया, -9/18, x इज इक्वल टू 9 2 1/2, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहां पे जगह है हम यहां पे कर देते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं, फिर भी देख लेता हूँ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मैं आपको करवा दूँ, हर तरीके से क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मैं नए पेज पे करूँगा, ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं आराम से करूँगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए उसके अंदर। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/50 + 3। अब क्या करेंगे हम, ये कॉन्स्टेंट है, अरे सॉरी ये वेरिएबल है तो इसको आपको लेफ्ट साइड लेके आना होगा, और ये कॉन्स्टेंट है तो आप इसको राइट साइड लेके आओगे, तो 2x/3 - 7x/15 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस 1 था तो इधर आके -1 हो जाएगा। अब 2x/3 - 7x/15, अब क्या करना है, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यहां पे मैं स्माइली मेथड कर रहा हूं, 15 2 = 30x, 7 3 = 21x, 15 3 = 45 इज इक्वल टू, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में, 15 3 = 45 और ये 2, 45 को इससे लेके जाओगे, 30x - 21x इज इक्वल टू 2 × 45, 30 में से 21 गया 9x इज इक्वल टू 45 × 2 = 90, टाइप 1 याद करो, x इज इक्वल टू 90/9, x इज इक्वल टू 9 10 = 90, ये आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये लीनियर इक्वेशन वाली जो सीरीज है काफी पसंद आई है, मैं मेरे क्लासेस के अंदर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कराता हूं बच्चों को, ताकि मेरे बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर वीक ना रहे। वैकेशन बैच के अंदर जो बेसिक वाले बच्चे थे उनको मैं काफी प्रैक्टिस कराने वाला था, मगर कोरोना की वजह से ये कुछ हो नहीं पाया, मगर जितने भी बच्चे आते हैं क्लास 10 की वैकेशन बैच स्टार्ट करने से पहले भी मैं उनको लीनियर इक्वेशन की 200 से 250 क्वेश्चंस मैं उनको प्रैक्टिस कराता हूं, उनकी ग्रिप बन जाती है, तो ही मैं इनके 10th क्लास के सिलेबस स्टार्ट करता हूं। लीनियर इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, ये हर जगह पे सिंपलीफिकेशन में आता है, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। फिर भी कुछ आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर ना कुछ लिखिए, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, हम आपको बेहतर असिस्ट कर पाएंगे और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस ऑन टेबल फेस टू फेस में आपको सिखाऊंगा, आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे जलाराम वाले हैं उनका हम वर्कबुक का सीरीज भी बनाने वाले हैं, और क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सीरीज भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को
हो सके इतना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस।